हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है ब्रिजेश सिंह और आज के टेक बज में सबसे बड़ी न्यूज है ट्विटर से रिलेटेड। तो एलॉन मस्क ने बोला है कि हम कैश फ्लो पॉजिटिव हो जाएंगे नेक्स्ट क्वार्टर तक। तो ये बहुत बड़ी न्यूज है क्योंकि अभी तक ट्विटर कभी प्रॉफिटेबल हुआ नहीं था, और रिसेंटली जब हमने देखा है, जब से एलॉन मस्क ने इसको एक्वायर किया है ट्विटर को, ये काफ़ी सारे चेंजेस कर रहे हैं। और अभी रिसेंटली इन्होंने 60-70% वर्कफोर्स को कम कर दिया है। उसके बाद भी ट्विटर खड़ा है, ट्विटर चल रहा है, कोई सर्वर में डाउन नहीं हो रहा है, कोई डाउन टाइम नहीं आ रहा है सर्वर का, और अब वो कह रहे हैं कि हम कैश फ्लो पॉजिटिव होने जा रहे हैं। तो देखा जाए तो पिछले मैनेजमेंट में काफ़ी ज़्यादा ओवर हायरिंग कर रखे थे। अब जब जब से इन्होंने 70% कट किया है, तो उन्होंने ऑब्वियसली थोड़े से कॉस्ट कटिंग भी किए हैं, जिसके वजह से इनका प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा है और अब ये कैश फ्लो पॉजिटिव होने जा रहे हैं। एआई को लेकर के एक बहुत बड़ी रिपोर्ट आई है। इंडिया एआई लॉन्च करने जा रहा है इस मार्च के एंड तक या तो अप्रैल के फर्स्ट वीक तक। राजीव चंद्रशेखर जो कि यूनियन मिनिस्टर हैं स्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज के, और ये स्टेट ऑफ स्किल डेवलपमेंट के भी मिनिस्टर हैं, तो उन्होंने रिसेंटली अभी अनाउंस किया है कि एआई हब बनने वाला है इंडिया में। इंडिया अपना एआई प्रोग्राम स्टार्ट करने वाला है। ये अब तक का सबसे बड़ा प्लान एआई प्लान होने वाला है, जिसमें उन्होंने ये बताया है कि अब तक का सबसे बड़ा पब्लिकली अवेलेबल डेटा सेट्स पब्लिश किया जाएगा फॉर जनरल पर्पस के लिए। तो इसका ये मतलब है कि अगर आपको उस डेटा सेट्स यूज करके कुछ नया एप्लीकेशन बनाना है तो उसको यूज कर सकते हैं। ये काफ़ी बड़ी इनिशिएटिव है गवर्नमेंट के तरफ से। तो अगर देखा जाए तो एआई से रिलेटेड गवर्नमेंट का एकदम मोटो साफ है। इवन बजट में भी एआई को लेकर के काफ़ी कुछ अनाउंसमेंट किया गया था। तो आप भी पीछे मत रहिए, अब ये समय आ गया है कि आपको किसी ना किसी तरीके से एआई को अंडरस्टैंड करना होगा, ताकि आप उसको डेली लाइफ में कंज्यूम कर सकें। और इस चैनल पे भी हम एआई से काफ़ी सारे रिलेटेड कंटेंट बना रहे हैं। अभी मैंने वीडियो शूट किया है कुछ सीरीज ऑफ एआई एमएल के, जो कि अभी नेक्स्ट वीक तक आ जाएंगे प्लेलिस्ट में। तो आप ज़रूर देखें इसको और समझें कि एआई किस तरीके से इस इंडिया को चेंज कर सकता है। बैंक ऑफ अमेरिका के सीईओ ने बोला है कि यूएस थर्ड क्वार्टर तक टेक्निकल रिसेशन में जा सकता है। और टेक्निकल रिसेशन का मतलब ये हुआ कि अगर कंसेक्यूटिवली दो क्वार्टर ये अगर डाउनफॉल रहता है, तो ये इसको टेक्निकल रिसेशन में कहा जाएगा, ये टेक्निकल रिसेशन में आ जाएगा। लेकिन ये ज़्यादा टाइम तक परमानेंट नहीं रहेगा, ये काफ़ी शॉर्ट पीरियड के लिए रहेगा। तो मेटा के लिए एक बहुत बैड न्यूज़ आई है कि मेटा के ऊपर अब ट्रायल चलने वाला है ट्रेड सीक्रेट को लेकर के। तो अभी इन्होंने एक स्टार्टअप कंपनी का जो कि न्यूरल मैजिक है, उनका एल्गोरिथम्स इन्होंने यूज़ कर लिया है। तो उसको लेकर के न्यूरल मैजिक ने इनके ऊपर केस किया है कि इन्होंने हमारा ट्रेड सीक्रेट ले लिया। तो ये काफ़ी बड़ी न्यूज़ है मेटा के लिए। तो मैं यहीं पे आपको एक मूवी रेकमेंड करता हूँ, नेटफ्लिक्स की द बिलियन डॉलर कोड। ये अगर आप मूवी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि सिलिकन वैली में किस टाइप के काम होते हैं। आई थिंक मैं रेकमेंड करूंगा कि आप इस बिलियन डॉलर कोड को देखिए, ये बहुत अच्छी मूवी है। इससे आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से एक यूरोपियन बंदे ने गूगल को सू करने की कोशिश की थी, क्योंकि वहाँ पे भी किसी न किसी टाइप का ट्रेड सीक्रेट वायलेट हुआ था। हॉटस्टार के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। हॉटस्टार दो बहुत बड़ा इवेंट लॉस कर चुका है अपने OTT प्लेटफॉर्म से, एक तो फॉर्मूला वन और दूसरा IPL का। तो इससे क्या हुआ कि हॉटस्टार का जो लास्ट क्वार्टर था हॉटस्टार का, जो अक्टूबर से दिसंबर का लास्ट क्वार्टर 2022 का, उसमें इन्होंने 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर लॉस किए हैं। मेजरली हॉटस्टार फेमस हुआ था IPL के वजह से, जब IPL को होस्ट किया जाता था हॉटस्टार पे, तो काफ़ी ज़्यादा सब्सक्रिप्शन बढ़े थे। अब जब IPL ही हट गया है, तो अब देखा जा रहा है 3.5 मिलियन सब्सक्राइबर कम हो गए हैं। ये हॉटस्टार के लिए एक बहुत बड़ी बैड न्यूज़ है। और उसी को देखते हुए हॉटस्टार HBO ने अपने कंटेंट को हॉटस्टार से हटा दिया है। तो अब HBO के कोई भी कंटेंट आप हॉटस्टार पे नहीं देख पाएंगे। अगर आप देखें तो HBO का सबसे फेमस कंटेंट था गेम ऑफ थ्रोन्स का, जो कि अब
HBO के सारे ही कंटेंट हटा दिए जाएंगे अब हॉटस्टार से। सो MTNL का मर्जर होने जा रहा है BSNL में, तो MTNL अब बंद हो जाएगा, अब BSNL ही उसको एक्वायर कर लेगा। तो ये रिपोर्ट आई है गवर्नमेंट के तरफ से। अभी ये फर्स्ट स्टेप में क्या होगा कि MTNL फर्स्ट डीलिस्ट किया जाएगा फॉरेन एक्सचेंज से, फिर उसके बाद ये मर्जर की प्रक्रिया स्टार्ट। सो क्रिप्टो करेंसी को लेकर ये बैड न्यूज है। अब मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर क्रिप्टो करेंसी को रखा जाएगा एक्ट के अंदर। तो इससे क्या होगा, जब आप कोई भी ट्रेड करते हैं क्रिप्टो करेंसी के थ्रू, तो इसको उसका पूरा मॉनिटरिंग किया जाएगा। अगर उनको लगेगा कि ये मनी लॉन्ड्रिंग का वायलेशन हो रहा है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है इसमें, तो ऑब्वियसली आपको काफ़ी ज़्यादा स्क्रूटनी किया जाएगा आपके ऊपर। ये काफ़ी बैड न्यूज़ है क्रिप्टो करेंसी के। देखिए हो क्या रहा है कि क्रिप्टो करेंसी, क्रिप्टो को लेकर के, क्रिप्टो अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन एक काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी के वजह से ये इतने ज़्यादा बदनाम हो गई है। अगर देखा जाए तो ब्लॉकचेन एक सेंट्रलाइज सिस्टम होने का प्लान था Web 3.0 के ऊपर, लेकिन क्रिप्टो करेंसी क्या था, उसी के ऊपर एक ऐप बना था और इस ऐप को डिसेंट्रलाइज किया गया था ताकि कोई भी फिनेंशियल एक्टिविटीज़ किसी के ओनरशिप में ना रहे। जब मैं कहता हूँ ओनरशिप, तो जनरली हमारा जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो उसमें क्या होता है कि जो रुपीज़ है वो मॉनिटर और वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में आता है। जो हमारी करेंसी है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर आती है, उसी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसकी मॉनिटरिंग करती है, वही उसको, वही पैसे छापती है, वही सब कुछ करती है, सारा काम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये पावर छीन ली जाए कि आप करेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, तो ये एक बहुत बड़ा लॉस होगा, क्योंकि काफ़ी सारा जो इकोसिस्टम है इसके अराउंड, ये इस पर ये डिस्टर्ब हो जाएगा इकोसिस्टम। तो इस वजह से क्रिप्टो करेंसी के ऊपर काफ़ी सारे एक्ट लगाए जा रहे हैं, काफ़ी इसको बैन करने की कोशिश पिछले 1-1.5 साल से चल रही है, और आई थिंक ये अच्छा मूव भी है। TCS ने 1 बिलियन का डील साइन किया मार्क्स एंड स्पेंसर से। अब आप कहोगे मार्क्स एंड स्पेंसर तो रिटेल्स कंपनी है और TCS तो IT कंपनी है, इनका क्या क्या डील चल रहा है? तो बेसिकली मार्क्स एंड स्पेंसर जो रिटेल कंपनी है US की, उसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर, जो IT इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, वो पूरा अब TCS हैंडल करने जा रहा है। तो ये डील जो हुआ है नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हुआ है, और ये डील $1 बिलियन के लिए, ये TCS के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो एप्पल INC के जो मैनेजमेंट है, उन्होंने ये अपना पूरा फोकस इंडिया की तरफ शिफ्ट कर दिया है। उन्होंने बोला है कि इंडिया हमारा सबसे बड़ा मार्केट है और हमें इसको सबसे ज़्यादा इसको टेक केयर करना है, इसी पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है। तो जितने भी इंटरनेशनल मैनेजमेंट था उसको डाइवर्ट करके सारे इंटरनेशनल मैनेजमेंट को ये डायरेक्शन दे दिया गया है कि आपको इंडिया पे ज़्यादा फोकस करना है। क्यों, ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि अगर देखा जाए तो अभी पिछले साल ही 2022 में एप्पल ने $1 बिलियन का एक्सपोर्ट किया था यहाँ पर, तो ये उसके लिए एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो रहा है। तो इसलिए एप्पल ज़्यादा फोकस करने जा रहा है इंडिया। अब देखा जाए तो मेरे पिछले टेकबज में मैंने ये भी बताया था कि एप्पल के अब इंफ्रास्ट्रक्चर्स और एप्पल के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हैं वो भी इस्टेब्लिश होने जा रहा है बैंगलोर और हैदराबाद में। तो अब एप्पल अपना बिजनेस ज़्यादा अच्छे से ग्रो कर सकता है इंडिया में, इसलिए इस टाइप की वो एक्टिविटीज़ स्टार्ट कर दिया है अपने मैनेजमेंट लेवल पे। वो बोल रहा है कि इंडिया को अब आपको ज़्यादा फोकस करना। बायजू रेस करने जा रहा है $2.50 मिलियन। अभी ये जो मनी रेज होगा वो अभी रिसेंटली आकाश का जो IPO आने वाला है उसमें ये रेस करेंगे, और उन्होंने बोला है कि आकाश का जो IPO आएगा वो 20% डिस्काउंट पे लिस्ट होगा। तो देखते हैं कैसा होता है। अभी रिसेंटली वाइट हेड जूनियर को उन्होंने हटा दिया है, उसका पूरा सब कुछ क्लोज कर दिया है ताकि उनका प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ सके। और ये इस टाइप के एक्टिविटीज लेके आकाश को जब IPO लाएंगे तो अगर वो प्रॉफिटेबल दिखाएंगे अपने आप को तभी उनका IPO अच्छा चलेगा, क्योंकि इस टाइम जो मार्केट चल रहा है, मार्केट कंडीशन है, वो IPO के लिए तो एटलीस्ट सही नहीं चल रहा है। D2C कंपनी जीवा ने अभी रिसेंटली रेस किया है $4.8 मिलियन, और ये डेट फॉर्म में रेस किया गया मनी है। तो डेट फॉर्म में रेस करने का क्या मतलब है, बेसिकली उन्होंने $4.5 मिलियन का लोन लिया है इन्वेस्टर से, जो कि उसको एज ए इंटरेस्ट उनको देना पड़ेगा बाद में। तो
कुछ कुछ टाइप के फंडिंग रेज होती हैं डेट में, कोई लोन लेता है, कोई इक्विटी शेयरिंग में करता है, तो इस टाइप की फंडिंग जनरली स्टार्टअप्स में होते रहते हैं। सिलिकॉन वैली बैंक के 60% स्टॉक गिर चुके हैं जब से उन्होंने ये अनाउंस किया था कि हम 1.7 बिलियन शेयर अपना सेल करेंगे। सिलिकॉन वैली बैंक का बहुत ही बुरा हाल है, वो ऑलमोस्ट बैंकक्रप्ट होने जा रहा है, और मुझे तो डर है कि ये वो वाला सिचुएशन न हो जाए जो लेमन्स एंड ब्रदर्स का हुआ था 2008 में, जो कि एक बहुत बड़ी फिनेंशियल कंपनी थी और वो बैंकक्रप्ट हो गई और उसके वजह से रिसेशन आ गया था। तो देखा जाए तो सिलिकॉन वैली बैंक का भी यही हाल चल रहा है, लेकिन मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ इसमें, तो मैं आपको ज़्यादा आइडिया नहीं दे पाऊँगा, लेकिन आपको मैं कुछ वीडियोस रेकमेंड कर सकता हूँ यूट्यूब्स के, जो कि आप देख सकते हो, तो मैं उसको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। फैंटेसी स्पोर्ट्स फैंटेसी अड्डा ने रेस किया है 11 मिलियन डॉलर। तो भाई फैंटेसी लीग के जो जितने भी इस टाइप के गेमिंग ऐप हैं वो इस टाइप से पॉपुलर हो रहे हैं इंडिया में, जैसे हर महीने कोई ना कोई नए नए ऐप आ रहे हैं, और ये आईपीएल का सीजन अभी स्टार्ट होने वाला है, तो ये आईपीएल के टाइम पे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि इस टाइप के ऐप्स में एंगेजमेंट ज़्यादा बढ़ता है यूज़र्स का, और आप जान ही रहे हो कि किस वजह से एंगेजमेंट बढ़ता है, लोग गैम्बलिंग करते हैं वहाँ पे, प्लेयर्स बनाते हैं, पैसे लगाते हैं और जीतते हैं हारते हैं, ज़्यादा तो हारते ही होंगे, जीतता तो कोई नहीं होगा। मैं कभी रेकमेंड नहीं करता हूँ इस टाइप के ऐप, लेकिन अभी इन्होंने 11 मिलियन डॉलर की फंडिंग रेस कर ली है, तो ये मुझे बताना था। तो यही चल रहा है इंडिया में। फिनटेक स्टार्टअप ग्रे क्वेस्ट ने रेस किया है 7 मिलियन डॉलर की फंडिंग। तो ग्रे क्वेस्ट करता क्या है, बेसिकली ये एक स्टार्टअप है जो कि लोन को ईएमआई में फॉर्म करके दे देता है आपको। तो आप एजुकेशन लोन लेते हो तो उसको आपको मंथली इंस्टॉलमेंट में बना कर दे देगा। हो सकता है ये कुछ इंटरेस्ट भी चार्ज करता हो, ऑब्वियसली इंटरेस्ट चार्ज करता ही होगा, और इनके इंटरेस्ट अच्छे खासे लंबे चौड़े होते होंगे, 11%, 12%, 13% के इंटरेस्ट तो होते ही होंगे। तो इस टाइप के भी ऐप चल रहे हैं मार्केट में। तो ये था आज का टेक बस, आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं, और इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हम काफ़ी सारे कंटेंट बनाने वाले हैं एआई से रिलेटेड। ऑलरेडी मैंने कई सारे कंटेंट बना दिए हैं, उसको मुझे पब्लिश करना है, तो स्टे ट्यून्ड विद अस, आपको काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस आने वाले हैं इस प्लेटफॉर्म पे। थैंक यू।